बाद वहां पर आने वाले लोगों की, तीर्थयात्रियों की संख्या में, पर्यटकों की संख्या में भारी वृद्धि हुई। 13 करोड़ का आंकड़ा अभी हाल ही में काशी के कॉरिडोर के बनने के बाद आया है। अयोध्या में भी उसी तर्ज पर देश विदेश से पर्यटकों के आने का सिलसिला लगातार बढ़ेगा। उसको संभालने के लिए इस क्षमता का विस्तार किया जाना है। तो दूसरे चरण में इसकी जो क्षमता है रेलवे स्टेशन की, उसको 5 गुना विस्तार देने की जो तैयारी है, उसमें नई रेलवे लाइंस का निर्माण और नई ट्रेन्स के परिचालन की जो व्यवस्था है वो भी की जाएगी। 8 ट्रेन्स का आज लोकार्पण भी किया जाएगा हरी झंडी के जरिए। वंदे भारत और अमृत ट्रेन्स का एक साथ जुड़ाव, देश के अलग अलग कोने से अयोध्या को जोड़ने की जो आज परिकल्पना है वो आज जमीन पर आते हुए इस प्रथम चरण में आपको दिखाई देगी। और इस वक्त जो स्थानीय सांसद हैं, उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री और रेलवे मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव के साथ इस रेल परियोजना के उस मॉडल का अवलोकन करते हुए और अश्विनी वैष्णव जी समझाते हुए कि किस तरह से इसका निर्माण किया गया है और कैसे अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए इस नए टर्मिनल को बिल्कुल ग्रीन टर्मिनल के तौर पर विकसित किया गया है कई सारे फेजेस में इसको, और स्पेस का यूटिलाइजेशन बहुत ही ज़बरदस्त, क्योंकि जगह बहुत कम थी वहाँ पर, चौड़ीकरण किया जाना था। 3 लेन को अगर 6 लेन किया जाना है तो पहले तो आपको पटरी बिछाने के लिए ही आपको विस्तार करना पड़ेगा, और उसके बाद जो टर्मिनल के लिए या स्टेशन के लिए जगह बचती है उसमें आप कैसे मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग का निर्माण करते हैं, प्रतीक्षालय के लिए, फूड प्लाजा के लिए, लोगों के ठहरने के लिए, दुकानों के लिए, और कैसे एक रीडेवलपमेंट करते हैं आदर्श स्टेशन के रूप में अयोध्या धाम को, ये एक नई तस्वीर पूरी दुनिया के सामने ये है कि एयरपोर्ट की तरह आपको सभी सुविधाओं से लैस ये नया अयोध्या धाम का टर्मिनल, जिसका लोकार्पण प्रधानमंत्री के हाथों द्वारा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों द्वारा किया जा चुका है। अश्विनी मिश्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अश्विनी, ये जो नया रेलवे स्टेशन बना है उसके बाद क्या कुछ तस्वीर बदलेगी और कैसे 1 से 1.5 लाख लोगों को संभाल पाएगी अयोध्या? अश्विनी या फिर परिसर जी, है जी जी, और ये सबसे बड़ी विडंबना थी, अजय यहाँ कहना बेहद प्रासंगिक होगा कि फैजाबाद जंक्शन मेन जंक्शन होता था, अयोध्या हाल्ट होता था, अयोध्या सेकेंडरी जंक्शन होता था। आज अयोध्या धाम जंक्शन पूरे अयोध्या जिले का सबसे सुव्यवस्थित और सबसे सुंदर जंक्शन बन चुका है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आज यहाँ वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेनों का यहाँ से परिचालन किया जा रहा है, जो कि पूरे क्षेत्र के लिए सौगात होगा, देश को और दुनिया को यहाँ जाने वाले पर्यटकों को नई अनुभूति प्रदान करेगा। ये पूरा का पूरा विस्तारित नया मॉडल भगवान श्री राम को समर्पित ही है, भगवान श्री राम के मंदिर से समर्पित जो वास्तु है उसी का उपयोग करते हुए इसको बनाया गया है, लेकिन इसमें आध्यात्म के साथ साथ आधुनिकता का अद्भुत समन्वय है। जबरदस्त लॉन्च बनाए गए हैं, एयरपोर्ट जैसी पूरी की पूरी फील आती है। प्रथम चरण का ये काम निश्चित अभी कंप्लीट किया गया है, इसे भव्य तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे लोकार्पित किया है, राष्ट्र को समर्पित किया है, राम भक्तों को समर्पित किया है, देशवासियों को समर्पित किया है। और सबसे बड़ी बात अगर देखें तो ये अयोध्या धाम जो जंक्शन होगा ये अब आने वाले वर्षों में मुख्य अयोध्या धाम स्टेशन बन जाएगा। अयोध्या का जो करंट स्टेशन है और जो अयोध्या से आगे अगर देखें जो गोरखपुर से आएंगे लोग वो रामघाट एक स्टेशन पड़ता है, वहां पर उस विस्तार किया जा रहा है। रामघाट स्टेशन से अलग अगर देखें तो अयोध्या स्टेशन, आसपास के दर्शन नगर स्टेशन, सारे गुप्तार घाट की तरफ जो स्टेशन पड़ता है, इन सारे स्टेशन का इस तरीके से विकास किया जा रहा है कि जो श्रद्धालु, क्योंकि अयोध्या के मुख्य भगवान श्री राम के मंदिर धाम जंक्शन के, तो आने वाले समय में पर्यटकों का, श्रद्धालुओं का जो दबाव होगा वो अलग अलग स्टेशन पर डेवलप किया जा सके। अत्याधुनिक सुविधा, शानदार एयरपोर्ट जैसी फील देने वाला ये अयोध्या धाम का स्टेशन है। इसमें क्रेश है, इसमें फर्स्ट एड की सुविधाएं की गई हैं, लाउंज इसका बहुत बड़ा है, इसमें एस्केलेटर लगाए गए हैं, और सबसे बड़ी बात जो एक संवेदनशील अप्रोच दिखती है, सुगम भारत का दिखता है, सब जगह रैंप बनाए गए हैं। वर्तमान सरकार के कार्यकाल के अगर पहले देखें तो हमको आपको अपने माता पिता बुजुर्गों को या वृद्धों को, रोगियों को स्टेशन पर ले जाना एक बहुत बड़ी मशक्कत होती थी, लेकिन सुगम भारत अभियान के साथ साथ एक संवेदनशील अप्रोच को देखते हुए समस्त दिव्यांगों के लिए, समस्त बुजुर्गों के लिए, रुग्ण रोगियों के लिए ऐसी व्यवस्था की गई है कि उन्हें तत्काल प्राथमिक सुविधा से लेकर हर तरीके की सुविधा अगर वो कहीं यात्रा में है तो वो हासिल की जा सके। देश भर के रेलवे स्टेशनों में यह दिखता है, और अयोध्या धाम निश्चित तौर से एक आधुनिक और आध्यात्मिक परिक्रमा का ही विस्तार है। तो अगर आप रेलवे स्टेशन को केंद्र बना करके वहां के आसपास के जो आध्यात्मिक स्थल हैं उनकी यात्रा को थोड़ा सा जोड़ने की कोशिश करिए, अगर कोई पैदल यात्री वहां से उतरता है तो राम जन्मभूमि, हनुमानगढ़ी, गुप्तार घाट या फिर नया घाट जो बना हुआ है,
अगर पैदल कोई जाना चाहता है, किस तरह से प्लान कर सकता है? सुगम भारत का, सुगम्य भारत का आपने जिक्र किया, शायद श्रीराम भव्य राम मंदिर जो बन रहा है वहां पर भी बुजुर्गों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की जा रही हैं। निश्चित तौर से ये पूरा का पूरा स्टेशन वही, जैसे मैं कह रहा हूँ कि आधुनिकता और आध्यात्मिकता का संगम तो है ही, साथ ही साथ संवेदनशीलता का जबरदस्त उदाहरण।